पांच साल के बच्चे ने पांच मिनट में ऐसा क्या किया? हाईकोर्ट के जज साहब ने भी जोड़ दिए हाथ। बच्चे को देखकर कई वकील पकड़ा रहे थे ट्रॉफी, पर बेबी निकला बहुत बड़ा कानूनबाज। सरकारी वकील की दलीलें भी हो गई फेल, जब पता चला कि गलती मिली तो कई जाएंगे जेल। ये किस्सा पांच साल के एक बच्चे, कुछ वकीलों और इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो जज साहब का है। तारीख थी 13 मार्च। चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास की डिवीजन बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी। जब याचिका देखी तो पता चला कि याचिकाकर्ता एक पांच साल का बच्चा है जिसका नाम अथर्व है। पहले तो ये पढ़कर जज साहब भी चौंके कि जिस उम्र में बच्चे ठीक से लिख नहीं पाते उस उम्र में ये हाईकोर्ट में याचिका लेकर कैसे पहुंच गया। तो वकील साहब ने बताया कि माँ बाप की मदद से इसने कई जगहों पर शिकायत की पर बात नहीं मानी, तो आखिर में थकार कर जनहित याचिका दाखिल की। अथर्व का कहना है कि मैं कानपुर की चिड़ियाघर के पास स्थित आजाद नगर मोहल्ले में बनी सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में पढ़ता हूँ। स्कूल से 300 मीटर की दूरी पर ही ठेका है। नियम के मुताबिक इसे सुबह 10 बजे के बाद खुलना चाहिए, लेकिन ये सुबह 6 से 7 बजे खुल जाता है, जिससे हमारे साथ एलकेजी में पढ़ने वाले कई छात्र छात्राओं और पूरे स्कूल को परेशानी होती है। कायदे से स्कूल के पास इस तरह की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, इसीलिए जज साहब ने तुरंत यूपी सरकार के वकील से जवाब मांगा, तो पता चला कि ये ठेका 30 साल पुराना है जबकि स्कूल 2019 में खुला है। सरकारी वकील ने सोचा था कि इस दलील से बच जाएंगे, लेकिन 5 साल के बच्चे के वकील ने फिर एक ऐसा सवाल पूछ लिया कि पूरी कहानी ही पलट गई। उनका सवाल था कि पहले क्या था ये नहीं पता, पर अब तो स्कूल है और अब स्कूल होने का मतलब ये है कि उसके आसपास कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास की बेंच ने काउंटर एफिडेविट का आदेश जारी कर दिया। मतलब अब ये बताना होगा कि ठेका हर साल रेवेन्यू कैसे हो रहा है, यानी इसका नवीनीकरण कैसे होता जा रहा है। 28 अप्रैल को इस मामले की दोबारा सुनवाई होनी है। फैसला क्या आएगा वो कोई नहीं जानता, लेकिन 5 साल के बच्चे अथर्व ने जिस तरह से याचिका डाली है वो कानपुर के घर घर में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस उम्र में बच्चे को सही गलत की समझ नहीं होती उस उम्र में अगर उसके माँ बाप ने भी उसे अदालत तक पहुंचाकर ये सिखाने की कोशिश की कि अपनी बात कैसे कहनी है, अपने हक की लड़ाई कैसे लड़नी है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हर माँ बाप को इस कहानी से कम 3 बातें जरूर सीखनी चाहिए। पहला, आपका बच्चा सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखे। दूसरा, हमेशा अपने हक की आवाज बुलंद करे, इसमें उम्र और पद मायने नहीं रखते। तीसरा, पढ़ाई में कोई भी परेशानी आए तो तुरंत शिकायत लेकर जाएं। कई बार अधिकारी जानबूझकर आपकी शिकायतों पर गौर नहीं करते। कम उम्र देखकर समझते हैं बच्चा है, धीरे धीरे बड़ा होकर सिस्टम समझ जाएगा, पर वहीं कई लोग कमजोर होकर शिकायत करना छोड़ देते हैं। अथर्व ने भी अपने माँ बाप के साथ मिलकर कई बड़े अधिकारियों को लेटर दिया था, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। नतीजा आखिर में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जिसे देखकर जज साहब भी सोच रहे होंगे कि वह क्या लड़का है। ऐसे बच्चे के हौसले को सलाम करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको अपने घर के बच्चे को भी ऐसा बनाना चाहिए ताकि वो समाज की आवाज बुलंद कर सके।